चालू कर दूं बस। हमें इसका मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट हो गया आपका, बोलो 100 का डेरिवेटिव माइनस 16, तो 3x स्क्वायर बाय 3, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया। जैसे मार्जिनल कॉस्ट, अब ये पूछा मार्जिनल कॉस्ट कहाँ मिनिमम हो, तो ये मार्जिनल कॉस्ट आया, इसको मिनिमम करना है, तो इसका डिफरेंशियल, किसका डिफरेंशियल, मार्जिनल कॉस्ट, बोलो। अब मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए इसको जीरो करना पड़ेगा, जीरो करो उसको, तो एक्स इक्वल टू, इसका मतलब जब आपके 8 यूनिट प्रोड्यूस होगा तब जाके मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। जब आपका 8 यूनिट प्रोड्यूस होगा तब जाके मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, इसका मिनिमम, तो वो यही पूछेगा फॉर हाउ मेनी यूनिट्स विल बी द मार्जिनल कॉस्ट विल बी मिनिमम। चार ऑप्शन दे देगा, तो कितने यूनिट होगा, 8 यूनिट। क्या करा, दोबारा बता रहा हूँ, कॉस्ट फंक्शन दे रखा आपको, इसका डिफरेंशियल क्या, डिफरेंशियल क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंशियल, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसा आएगा, इसका डिफरेंशियल, ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अब इसको मिनिमम करना है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे हम, तो मतलब दो बार डिफरेंशियल होगी, तो इसका डिफरेंशियल क्या और इसको जीरो किया तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है। इसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू, जैसा आपका रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, रेवेन्यू फंक्शन आपका गिवन है, कौन गया भाई, रेवेन्यू फंक्शन क्वेश्चन है कोई दे रखा है क्या, कुछ भी मान लो रेवेन्यू फंक्शन, और तो क्या, इसने तो कुछ भी नहीं दे रखा इसमें, ये रहा, ये रहा, ये रेवेन्यू फंक्शन, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, यदि मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है आप तो डायरेक्ट देख लो, तभी मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स, और कितने यूनिट निकालना है तो जो भी आपका डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स आएगा उसको आप इक्वल टू जीरो करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट जहां पर रेवेन्यू आपका मैक्सिमम, इस तरह से होगा। बाकी डबल डिफरेंशियल कैसे करते हैं वो बता रहा हूं, लिखो y इक्वल टू a e की पावर एम एक्स प्लस b e की पावर माइनस एम एक्स, हमें निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है दो बार डिफ्रेंशिएट करना, तो पहले y का डेरिवेटिव करो dy बाई डी एक्स, ए तो कॉन्स्टेंट है, बोलो e की पावर का, e की पावर mx और mx का b e की पावर माइनस mx और माइनस mx का, तो ये dy बाई डी एक्स आ गया भैया। इसमें किसी को दिक्कत, बोलो इसमें कोई डाउट, अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बोलो वापस से, एम तो कॉन्स्टेंट, ई की पावर एम एक्स का इंटू और ई की पावर माइनस एम एक्स का इंटू, ये आ गया बेटा एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, बेटा एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, वाई, क्या बचा, तो आंसर आपको पूछेगा व्हाट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, चार ऑप्शन में, तो एक तो एम वाई दे रखा होगा, एम वाई स्क्वायर गिवन होगा, एम स्क्वायर वाई गिवन होगा,
इस तरह से गिवन होगा, तो आंसर क्या हो गया n स्क्वायर। ये डबल डिविजन करने का तरीका। तो कोई भी चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है, आप समझ लो, आप वापस हमें किसी को भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। बताया प्रॉफिट फंक्शन का क्वेश्चन है जिसको मैक्सिमाइज करना है, कोई 12th पे जाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बताते हैं, तो ये डबल डिविजन करना पड़ता है। ये तो ले लो, देखो एक प्रॉब्लम, बाकी कल आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा और परसों से इंटीग्रेशन चालू कर दूंगा। परसों तो टेस्ट है, तुम्हारी तीन ही तो क्लास लग गई। अरे तीन ही तो क्लास लग गई, तो तीन क्लास लग गई तो क्यों टेस्ट है ना क्लास के टाइम पे करवा दो, दूसरे टाइम पे करवा लो भाई, बाद में करवा लो, क्यों एक घंटा बर्बाद कर रहे हो क्लास, वही करेंगे क्लास के बाद ही करवा दो। क्लास के बाद मतलब जब तुम्हारी तीनों क्लास कंप्लीट होगी, तीन ही तो लगी, एक मेरे बाद लगेगी उसके बाद लगेगी, वही करेंगे सुबह वापस से मॉर्निंग वाली क्लास में भी पढ़ा देंगे। तुम दोनों जो दोनों तीनों हैं, तुम इस क्लास के बाद तुम वहां जाके टेस्ट दे देना भाई, यहाँ क्लास अटेंड करना, इसके बाद है ना वहां पर जा चल जाना, वहां टेस्ट दे देना, ठीक है। बेटा टेस्ट क्लास के बाद लेना है मुझे, ताकि मुझे सेंट्रल टेंडेंसी आपका कंप्लीट हो जाए, ऐसा सोच रहा हूँ, समझ रहा है मेरी बात। तो प्रॉफिट फंक्शन आपको गिवन है 41 - 72x - 18x2। तो ये आपसे बोल रहा हूं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैंने क्या बोला, प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, -72 - 4, अब इसको जीरो कर दो, एक मिनट इसमें प्लस होगा, चलो भाई x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। तो मतलब जब दो यूनिट प्रोड्यूस करोगे तब जाके मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, कितने यूनिट प्रोड्यूस करने में मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 2। अब डबल डिफरेंस करने पर पता लग जाएगा भाई d2p/dx2, डबल डिफरेंस करोगे इसका तो -36 आएगा। बेटा कभी भी डबल डिफरेंस सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, डबल डिफरेंस यदि नेगेटिव आता है तो वो हमेशा क्या देगा, मैक्सिमम, और ग्रेटर देन जीरो आता है तो नहीं। ये दो चीज ध्यान, अब x इक्वल टू 2 रख दो इसमें, p2 41 + 72 × 2 - 18 × 2 का स्क्वायर,
41 + 144 माइनस 18 × 4 72, कितना आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट 11। अरे 185 माइनस 72 11, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 113। ऐसे निकालना होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है आपसे, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट और कहां पर होगा। तो ये जितना कंसेप्ट मैंने बताया इसको समझ लीजिए आप, बाकी अपन इसको कल आगे डिस्कस कर लेंगे। तो कल अपन डिफरेंशिएशन तुम्हारे क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और स्टैंडर्ड टेंडेंसी पढ़ाएंगे कल इस क्लास में, कल इवनिंग में भी पढ़ाएंगे और परसों सुबह भी पढ़ाएंगे, ताकि आपका स्टैंडर्ड टेंडेंसी कंप्लीट हो जाए। Thank you.